अस्सलाम वालेकुम। तो फिर मैं फिर हाजिर हूँ जिंदगी की कौशे के साथ, लाइफ रैम्पो के साथ आपकी खिदमत में। तो मेरी इससे पहले वाली जो मैंने तकियाँ आपको समझाई थी कि जुल्फ तहजी के साथ अलीफ वाव और ये का जोड़ना, तो मेरे ख्याल में वो आपको आ गया होगा और आपने ये अपने बच्चों पर अप्लाई भी किया होगा। तो अब जो है बिल्कुल सिंपली जो है सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जो आपने उसे पसंद किया। तो अब मैं फौरन आपका टाइम बहुत कम लूंगी और आपको डायरेक्ट बताऊंगी। अब बहुत आसान तरीका है, बहुत 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 करीब हम पहुंचने वाले। अगर ये मराइल आपने हल कर लिए तो और बच्चे की जो है उर्दू की बुनियादी तालीम थोड़ी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने जिम्मेदारी से जिस तरह मैंने बताया है इस तरह काम करवाया है तो 100% श्योर है कि बच्चा सीखेगा। तो बोर्ड की तरफ आए, मैं मजीद बहुत आसान किस्म की आपको बताया। मैंने बोर्ड पेंटेड कर लिया, हुर्फे तहजी को अलिफ वाव ये के साथ मिलाकर लिखे और इसकी आवाज निकाले, ये हो गया। अब सेकंड ये देखें, अब मैंने तीन तख्तियां मेंटेन किए, एक दो तीन। अब इन तीन तख्तियों में वैसे ही है, पहली तख्ती में जैसे कि मैंने बताया था बे पे ते टे से, इसको मैंने करवा दिया। अब इसको जो है बिल्कुल उसी तरह करना है, काम बिल्कुल वही है। काम मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नया काम दिया है, लेकिन इसको तरतीब से सात बच्चों को मिला के कराना है ताकि बच्चे को पता चल जाए आ उ ई की आवाज में चेंज किस तरह होता है। ये देखें, बे अली बा बे बबू बे ये भी, इसी तरह पा पू पी ता तू ती टा टू टी सा सू सी। अब आपको मालूम है मैंने पिछले बार बार मेरी पिछली वीडियोस देखे, मैंने बार बार बताया है कि मैंने छह तख्तियों में तकसीम किया है हुर्फे तहजी को, छह तख्तियों में तकसीम किया है अलिफ वाव ये के साथ मिलाने के लिए मैंने छह तख्तियां बनाई है। इस वक्त बोर्ड जो मेरा मेंटेन में मैंने किया है तो तीन तख्ती आई है, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल सिखाऊंगी। आई होप कि इसके बाद जो है आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, मुझे अगली मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। देखिए पहली तख्ती में जो है एक दो तीन चार पांच हरूफ है वो मेंटेन है, बस बच्चों को बाबू पी साउंड के साथ उनको बस पढ़ाना ताकि पढ़ना भी है लिखने है, पापू पी तातूती टाटूटी सासू सी। इसी तरह फिर हम तख्ती नंबर दो पर आते हैं, ये मेंटेन की हुई है सेम बिल्कुल उसी तरह, ये चार अल्फाज आते हैं तख्ती नंबर दो में, जीन चे हाय खाय चार है। अब इसे डायरेक्ट आपको करवाना है, जा जू जी चा चू जी हा हू ही खा खू खी। ये जो तख्ती है ये एक एक दिन आप करवाए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, ये एक दिन आप अपने पास करवाए, एक दिन घर से दे और दूसरे दिन आप नई तकदी करवाए ताकि बच्चे का एक हफ्ते के अंदर अंदर ये असाइनमेंट पूरा हो। अगर बच्चा वीक है तो दो दिन कर लें, वो मैंने आपको बताया है बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की कैफियत को मद्देनजर रखते हुए आप करें, लेकिन ये एक दिन में कर लेंगे क्योंकि ये की पिछली प्रैक्टिस हमने इतनी ज्यादा करवा दी है कि ये नो इश्यू, ये बच्चे कर लेंगे। लेकिन सिर्फ ये मैंने तरतीब से मिलाकर जो है लिखना सिखाया है। तख्ती नंबर दो भी देख ली, सेम इसी तरह तख्ती नंबर तीन पर आया, मैंने आपको बताया तीन में कितने एक दो तीन चार पांच छह सात है, सात रूप थे, दाल डाल दाल रे 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 से ये सात है। इसको आप बच्चे वैसे सीख चुके हैं सिर्फ आवाज के लिए और बच्चे की जो है पहचान के लिए हमें मिलाकर सिखाना है। तो तख्ती नंबर तीन में भी दा दूदी डा डूडी जा जूजी रा रूरी और रा रूरी जा जूजी सा सूसी, मतलब कि ये सिर्फ आवाज के लिए है कि बच्चों को पता चले कि अगर आखिर में अलिफ आता है तो आ वाव आता है ऊ ये आता है ई। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, वक्त कम लूंगी और मजीद भी और भी मैं आपको असाइनमेंट बताऊंगी। यहां तक अगर आप बच्चों को सिखाने में कामयाब होते हैं तो ये समझे कि आपने 50% जो है टारगेट ले लिया है, 50% आपकी अचीवमेंट हो गई अगर बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई। इसके बाद और भी चीजें हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन बेसिक का ये काम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर बच्चे को आगे आप कुछ भी करवाना चाहेंगे नहीं आएगा। तो ये काम आपको जरूर करवाना है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
और आपके जो आप मुझे मेरी तारीफ करते हैं, मुझे इनबॉक्स पे आकर मैसेज देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कहूंगी शेयर लाइक कमेंट प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबके सब इसका फायदा उठाएं। तो दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।